हेलो गाइस, दिस इज अखिल एंड वेलकम टू टेक्सीपी। दोस्तों, दिन पर दिन गर्मी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम कलकत्ता में नहीं राजस्थान में हैं। जिसके घर एसी है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन एसी से निकलते ही धूप, गर्मी, पसीना, मानो हालत खराब हो जाती है। और जिनके घर एसी नहीं है उनका तो पूछो ही मत। लेकिन इतनी गर्मी में आप घर तो नहीं बैठ सकते, काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना ही पड़ता है। जब भी आप एसी से निकलते हैं तब ऐसा लगता है कश्मीर से सीधा राजस्थान जा पहुंचे। तो सोचो, आप जब काम के सिलसिले में इतनी गर्मी में बाहर निकलते हो, तब अगर आपके साथ एक एसी ले जा सकते हो तो मेरा मतलब है आप जहां भी जाओगे एक एसी आपके साथ हर समय रहेगा और कड़ी धूप में, कड़ी गर्मी में आपके शरीर को शीतल रखेगा, तो कैसा होता। लेकिन क्या यह संभव है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल संभव है। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे एसी के बारे में जो एक मोबाइल की साइज की है, जो आप अपना जेब में रख सकते हैं। वो एसी कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है और कितने रुपए आपको देना पड़ेगा, पूरे के पूरे डिटेल्स मैं आज बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो। दोस्तों, दिन पर दिन गर्मी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ऐसे हालात में घर से निकलना खतरों से खाली नहीं है। आजकल तो सनस्ट्रोक घर घर की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, आप घर नहीं बैठ सकते। लेकिन अब खतरों की कोई बात नहीं है, क्योंकि जापानीज इलेक्ट्रॉनिक जायंट सोनी एक ऐसी एसी लॉन्च करने वाला है जो आप अपनी पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। ये एक मोबाइल की साइज की है। तो आप सोचिए, आप काम के सिलसिले में कड़ी धूप में घर से निकलते हैं और आपके साथ एक एसी है जो हर टाइम आपको कड़ी धूप में, कड़ी गर्मी में सर्दी जैसा एहसास दे रहा है ना मजेदार बात। तो ये एसी कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और कितने रुपए आपको देना पड़ेगा, ये मैं अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सोनी ने एक एसी लॉन्च किया है जिसका साइज आपका मोबाइल की साइज की है, लेकिन ये एसी आपके पीठ में, ठीक गर्दन के पीछे लगाना होगा। इसके लिए आपके टी शर्ट पर एक अलग से पॉकेट बनाना होगा। अब जब घर से निकलेंगे तब वो एसी उस एडिशनल पॉकेट में रखना होगा और उसे कनेक्ट करना होगा आपके स्मार्टफोन के साथ। प्ले स्टोर एंड iOS स्टोर में इस एसी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रियन पॉकेट एसी। इस छोटे से एसी को वो ऐप के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करना होगा और इस एसी का कंट्रोल उस ऐप से होगा। टेम्परेचर बढ़ाना घटाना वो उस ऐप से आपको कंट्रोल करना होगा। फिलहाल इस एसी का दाम रखा गया है 9,000 रुपीज और ये कुछ ही दिनों में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जब लॉन्च होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं और डायरेक्टली अमेजोन पे जाके आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये डिवाइस अभी भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये डिवाइस सिर्फ जापान में लॉन्च किया गया है और कुछ ही दिनों में वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया जाएगा। सोनी के मुताबिक इंडिया में ये एसी लॉन्च होगा 2020 में। ऑफिशियल न्यूज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ऑफिशियल न्यूज पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये पॉकेट एसी दो तरह की है, एक है स्मार्ट डिवाइस और एक है नॉर्मल डिवाइस। स्मार्ट डिवाइस और नॉर्मल डिवाइस में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इस बात की है कि स्मार्ट डिवाइस वेदर की टेम्परेचर को अपने आप एनालाइज कर लेगा और आपके बॉडी के साथ कितनी टेम्परेचर सही है वो खुद ब खुद वो चुन लेगा। और नॉर्मल डिवाइस पे टेम्परेचर आप कितना रखना चाहते हैं वो मैनुअली इनपुट करना होगा। तो दोस्तों, ये एसी फिलहाल जापान में अवेलेबल है, लेकिन कुछ दिनों में इंडिया में लॉन्च होने वाला है और वर्ल्ड वाइड भी लॉन्च होने वाला है। तो जब ये एसी लॉन्च होगा तो हर एक इंसान को एक खरीद लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी से बचने का इससे अच्छा और कंफर्टेबल तरीका फिलहाल तो नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरा कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, आज चलते हैं, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, तब तक के लिए।